दोस्तों अभी हमें सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15 बाय फैक्टराइजेशन मेथड। दोस्तों इसे शुरू करने से पहले हम आपको कहना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हमारी कोशिश है कि हर क्लास के हर चैप्टर के हर प्रॉब्लम को यहाँ पे हम सॉल्यूशन के फॉर्म में लाना चाहते हैं, वो भी इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में, और उसी के साथ फास्ट ट्रैक आंसर भी, ताकि आपको वैरायटी मिले आंसर्स की। किसी को फास्ट देखना है वो फास्ट देखे, जिसको एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी को इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन चाहिए, किसी को हिंदी में चाहिए, तो वो सब यहाँ पे अवेलेबल करने की हमारी कोशिश है। क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास ट्वेल्थ तक मैथमेटिक्स के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कवर करें। तो इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलते रहेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो इक्वेशन हमें दिया गया है 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15, तो सॉल्व करने से पहले इस इक्वेशन को हमें प्रॉपर फॉर्म में लाना है। जो हमारा प्रॉपर फॉर्मेट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इस फॉर्म में लाने के लिए जो राइट साइड में दो टर्म्स है उन्हें हमें शिफ्ट करना है लेफ्ट साइड में, उनके साइन चेंज करके। तो फिर हमारा नया इक्वेशन बनेगा 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए अभी हमें फैक्टराइज करना है, तो मिडल टर्म को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में। अभी वो किस तरह करें, तो इसलिए पहले जो फर्स्ट टर्म है हमारी 5m स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 5 और जो कांस्टेंट टर्म है माइनस 15, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें देखना है कितना है। इन दोनों का प्रोडक्ट है 5 इंटू माइनस 15 डेट इज माइनस 75, यानी हमें 75 को दो फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है। वो दो फैक्टर्स दो नंबर ऐसे चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट माइनस 75 आएगा और जिनका सम या डिफरेंस मिडल टर्म यानी माइनस 22 आएगा। अभी देखिए प्रोडक्ट चाहिए माइनस 75 मीन्स निगेटिव प्रोडक्ट चाहिए, इसका मतलब जो दो फैक्टर्स हमें चाहिए उसमें से एक होगा निगेटिव एक होगा पॉजिटिव, तभी हमें निगेटिव प्रोडक्ट मिलेगा। अच्छा अभी अगर एक निगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव है तो फिर उनका सम मिडल टर्म आना पॉसिबल नहीं है, तो फिर चाहिए उनका डिफरेंस, तो उनका डिफरेंस आना चाहिए माइनस 22। अभी डिफरेंस निगेटिव है ये भी ध्यान में दीजिए, तो देखते हैं अभी यहाँ पे अवेलेबल फैक्टर्स है 25 एंड 3 एंड 15 इंटू 5। 15 एंड 5 पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों का डिफरेंस या सम कुछ भी 22 नहीं आता है, तो ऑप्शन बचा 25 एंड 3। अभी 25 एंड 3 को साइन कौन से दे, तो प्रोडक्ट चाहिए माइनस 75, तो इसका मतलब एक नंबर नेगेटिव है और एक नंबर पॉजिटिव है। अच्छा उनका डिफरेंस आने वाला है, तो डिफरेंस चाहिए मिडल टर्म माइनस 22। अभी डिफरेंस अगर माइनस 22 चाहिए तो बिगर टर्म निगेटिव आनी चाहिए और स्मॉलर टर्म पॉजिटिव, और इसलिए हम 25 को देंगे निगेटिव साइन और 3 को देंगे पॉजिटिव साइन। अभी हमें इक्वेशन को रीराइट करना है उसके मिडल टर्म को स्प्लिट करके। फर्स्ट टर्म 5m स्क्वायर एज इट इज, इसको ऐसे ही लिखना है। मिडल टर्म माइनस 22m को हमें स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में, जो हमने अभी फैक्टर्स ढूंढे उनको यहाँ पे यूज करना है। तो मिडल टर्म हो जाएगी आफ्टर स्प्लिटिंग माइनस 25m प्लस 3m, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 15 एज इट इज इक्वल टू राइट साइड में 0 जैसे के वैसे। अभी देखिए फर्स्ट टू टर्म से 5m कॉमन निकलेगा, अगर हम 5m को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा m माइनस 5। ऐसे लास्ट के टू टर्म से 3 कॉमन निकलेगा प्लस 3 और ब्रैकेट में बचेगा m माइनस 5। इन द राइट हैंड साइड 0 एज इट इज। अभी देखिए जो दो टर्म्स हमें मिले हैं उनमें एक ब्रैकेट कॉमन है m माइनस 5, इसलिए पूरे ब्रैकेट को हम कॉमन लेंगे m माइनस 5, तो फिर सेकेंड ब्रैकेट में बचेगा पहले टर्म से 5m प्लस सेकेंड टर्म से 3 इज इक्वल टू राइट साइड में 0 जैसे कि वैसे।
इसका मतलब आइदर फर्स्ट ब्रैकेट m माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड ब्रैकेट यानी कि 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मतलब आइदर m इज इक्वल टू 5 और m इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। तो दोस्तों इस तरह हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए दो रूट्स मिल रहे हैं, एक है 5 और दूसरा है माइनस 3 अपॉन 5।